गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार आपको प्लास्टिक के झंडे का इस्तेमाल करना महंगा पड़ सकता है। गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ्लैग कोड का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर प्लास्टिक के झंडे के इस्तेमाल करने पर रोक है। ऐसे में अगर कोई भी प्लास्टिक का झंडा इस्तेमाल करता है तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। गृह मंत्रालय ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि कोई भी इस गणतंत्र दिवस के मौके पर प्लास्टिक के झंडे का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी करके कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज देशवासियों की उम्मीदों व आकांक्षाओं को दर्शाता है, लिहाजा इसका सम्मान होना चाहिए। गृह मंत्रालय की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कई महत्वपूर्ण मौकों पर कागज के तिरंगे की जगह प्लास्टिक के झंडे का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक के झंडे जैविक रूप से अपघटनशील नहीं होते, लिहाजा काफी लंबे समय तक इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, जो कि सिर्फ पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है बल्कि राष्ट्रीय झंडे का सम्मान पूर्वक निपटारा करने में भी दिक्कत होती है। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।